Welcome to our channel, guys. I hope you guys are doing great. My name is Alice. And my name is Manav. And you are watching Stall the Ball. So let's get started. Thank you so much, guys, for supporting us and for showing so much love to our channel. हम लोग 500 subscribers पे पहुंच गए हैं within a month, so which is a great achievement. अगर आप इस channel पर नए हैं तो आप please subscribe कर जाइए and watch till the end. और subscribe button video के नीचे ही होता है, so please subscribe it, like it and share it and tell me in comments that how did you like the video. तो गाइज अभी हम हैं बेलनकोलिक पार्क में, जो हमारे घर से 1-2 किलोमीटर्स की रेंज में है, तो हम कोई रूल वायलेट नहीं कर रहे. और हमने सोचा घर में तो वीडियोस बनाएंगे तो बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए कुछ, तो हम लोग पार्क आ गए वीडियो बनाने. और हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी वीज़ा रूल्स और हर चीज़ से रिलेटेड कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एवरीथिंग. तो मैंने सोचा सब कुछ एक वीडियो में तो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारे पार्ट्स कवर करने पड़ते हैं. तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या ओवरऑल प्रोसेस है इंडिया से आयरलैंड आने का, और इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का दूंगी उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. बट इसमें आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, एंड दैट विल बी यूजफुल टू. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले आपको तीन चीज़ अपने दिमाग में रखनी है: बजट, क्या कोर्स आप करना चाहते हो, और क्या वो कोर्स उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं है. तो उसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले बजट में आपको ये देखना है कि वहाँ पर आपका लिविंग एक्सपेंस कितना आ रहा है, आपकी फ़ीस कितनी आ रही है, तो उस हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करो. और उसके बाद आपको कोर्स में ये देखना है कि जो आप कोर्स कर रहे हो क्या वो आपके बैकग्राउंड का है, उसमें आपको टाइम ड्यूरेशन क्या दे रहे हैं. और थर्ड, आपका यूनिवर्सिटी में आपको ये देखना है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, उस यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है. तो ये मेन चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख के प्लान बनाना है. और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है उस जगह पे, तो इस चीज़ को आप अपने सीनियर्स वगैरह से वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं उस कोर्स और यूनिवर्सिटी के फीडबैक के बारे में. तो दैट विल हेल्प यू इन रिफाइन कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हो, कोर्स एंड कंट्री. तो ये मेन चीज़ है. और बाकी गूगल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि रैंकिंग क्या है वहाँ पर, अपॉर्चुनिटीज़ exactly. क्या हैं और फीस क्या है, वो सब आपको गूगल पर या फिर उस यूनिवर्सिटी के साइट पर आपको सब मिल जाएगा. और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस कोर्स में पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपकी फील्ड के हैं या नहीं है, वो सब भी आप गूगल से चेक कर सकते हो. और गाइज, बहुत क्वेरीज ये थी कि हम कौन सी कंट्री चूज़ करें और कौन सी कंट्री में सैलरी ज़्यादा है कम है. तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी कंट्री आप चूज़ कर सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कनाडा, आयरलैंड, यूके, दे ऑल आर सेम. आई मीन उसमें जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो सब, सैलरी, ये सब यहाँ पर डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनिमम वेज होती है. तो अगर यहाँ पर लाइक आयरलैंड में अगर 10 यूरो है मिनिमम वेज, तो सैलरीज भी उसी हिसाब से होंगी. और अगर यूके में मिनिमम वेज $7 है, पाउंड्स है, जो भी यहाँ पर है, उसकी भी फिर आपकी जो सैलरी होगी वो उसी अकॉर्डिंग होगी. तो दैट डजेंट मैटर कि कहाँ सैलरी ज़्यादा है कम है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस उसी हिसाब से होते हैं वहाँ पे. तो देर इज़ नो कंपैरिजन इन दीज थिंग्स. तो आपको मेन फोकस यही रखना है कि आपका कोर्स उस कंट्री में अवेलेबल है या नहीं, और वो यूनिवर्सिटी कैसी है, और रैंकिंग ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. तो जितनी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम मांगते हैं कि आप इंग्लिश प्रॉपरली वहाँ पर बोल सकते हो सर्वाइव करने के लिए नहीं. तो उसके एग्ज़ाम्स होते हैं IELTS, TOEFL, PTE, और हर कंट्री में डिफरेंट क्राइटेरिया होता है इस चीज़ का. तो अगर आप आयरलैंड आ रहे हैं तो यहाँ पर IELTS और PTE दोनों मार्क्स चलते हैं, और हर कंट्री, यूनिवर्सिटी, सब में मार्क्स डिपेंड करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो एक बार जब आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप देखो कि वहाँ की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंड ट्राई टू फुलफ़िल दोज रिक्वायरमेंट्स. आप अपना IELTS का एग्ज़ाम दो, अपने मार्क्स देखो जो भी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका वीज़ा के लिए अप्लाई करना. तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. और आपकी जो ऑफ़र लेटर आएगा फिर कॉलेज से, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी है उससे अब एक्सेप्ट हो रहा है वो, रिजेक्ट हो रहा है, व्हाटएवर द रिज़ल्ट वुड बी, आपको एप्लीकेशन लेटर मिलेगी, ऑफ़र लेटर, और आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद वीज़ा के लिए.
वीज़ा आपका 15 to 20 days में ईजिली आ जाता है. आई एम नॉट श्योर कोविड के बाद कुछ चेंजेस हुए हैं तो, बट 15 to 20 days और एक महीना मैक्सिमम अगर आप मानते हो तो इतना ही लगता है टाइम बस. और एक बार आपके पास वीज़ा आ जाता है तो आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो. एंड आई वुड से कि रिफंडेबल टिकट्स बुक करें, बिकॉज उस टाइम यू आर नॉट श्योर कि वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है. तो देयर कुड बी सेवरल रीजंस फॉर रिजेक्शन. तो बेटर है कि आप रिफंडेबल टिकट करें. टिकट्स अराउंड 40 to 50 thousand आपकी हो जाती है वन साइड. एंड प्लस इट डिपेंड्स कि कितने स्टॉप्स हैं बीच में, डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं है, उन सब चीज़ों से भी बहुत डिफरेंस आ जाता है प्राइस में. एयरपोर्ट पर आपको 3 मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी. एक आपका ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का, दूसरा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, और एक वो एड्रेस जहाँ आप आयरलैंड में आकर रहोगे उस चीज़ की प्रूफ, एड्रेस प्रूफ. तो एड्रेस प्रूफ आपको इंडियन एयरपोर्ट के लिए नहीं चाहिए, वो आपको बेसिकली आयरलैंड के किसी भी एयरपोर्ट के लिए चाहिए. तो उसके बाद आप इमिग्रेशन चेक करोगे. मेक श्योर जब आप लगेज चेक इन करो तो उनको बोलो कि यू नीड दिस लगेज इन आयरलैंड, बिकॉज अगर आपका बीच में स्टॉप है तो आपसे पूछते हैं कि आपको ये बीच में कहीं किसी एयरपोर्ट पर चाहिए या फिर आपको लास्ट स्टॉप पे चाहिए डायरेक्ट. तो मेक श्योर आप उसमें डायरेक्ट बोलें. तो जब आप आयरलैंड में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर दो क्यू मिलेंगी, एक यूरोपियन क्यू मतलब यूरोपियन लोगों के लिए और एक नॉन यूरोपियन. तो हम लोग नॉन यूरोपियन में वहाँ पर स्टैंड करेंगे. उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले जाएंगे, वो लोग सबको जाने देते हैं, आपको अलग से वो खड़ा करेंगे, वेट करवाएंगे आपसे, और फिर एंड में आपसे मतलब आपको जाने देंगे और आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे जाएंगे वहाँ इमिग्रेशन चेक पे. वहाँ आपको अपना ऑफर लेटर दिखाना होगा यूनिवर्सिटी का, और आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी होगी, और एड्रेस प्रूफ कि आयरलैंड में आप कहाँ स्टे करने वाले हैं. जब ये सब आप उनको आंसर कर देंगे तो वो आपके पासपोर्ट में एक स्टैंप लगाएंगे जो आपकी डेट ऑफ लैंडिंग, जिस दिन आप लैंड कर रहे हो उस वहाँ पे, उससे 2-3 महीने बाद तक का होगा. तो बेसिकली आपको उस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पर एक कार्ड होता है IRP कार्ड, वो बनाने के लिए वो आपको टाइम देते हैं, जिससे आपकी रेजिडेंसी एक तरीके से यहाँ पे वो कंफर्म हो जाएगी कि अब आप यहाँ पे वैलिड रह सकते हैं. तो मेक श्योर आपको उस टाइम पीरियड के बीच में जाके वो कार्ड वहाँ पे बनवाना है. और उस कार्ड की रिक्वायरमेंट्स और उसके बारे में भी एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी. इस वीडियो में सब इंक्लूड करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी सच में. तो गाइज जितने भी अभी तक हमने आप लोगों को स्टेप्स बताए हैं वो सब सेम ही स्टेप्स आपको किसी भी कंसल्टेंसी से पता लग जाएंगे. और हम दोनों ने फतेह एजुकेशन की हेल्प से यहाँ पर आए जो कि एक कंसल्टेंसी है. तो हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि आप वहाँ पर जाओ, इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत जेन्युइन है और उन्होंने हमारी थ्रू आउट द प्रोसीजर बहुत हेल्प करी. तो गाइस ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट बिकॉज हम दोनों ही उनके थ्रू आए हैं यहाँ पर तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत जेन्युइन है. थ्रू आउट द प्रोसेस वो बहुत डेडिकेशन के साथ हम लोगों की हेल्प करी उन्होंने, वीज़ा अप्लाई करने तक क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एप्लीकेशन अप्लाई करना, ये सब चीज़ में उन्होंने हमारी हेल्प करी. इवन बात तक, क्योंकि उनके बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं इधर भी. तो अगर आप लोगों में से किसी को भी उनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना. आपको लिंक अभी आ रहा होगा नीचे इंस्टाग्राम का हमारा, तो यू कैन टेक्स्ट मी और मैं आपको नंबर दे सकती हूँ उनका. और उनका मतलब हम गारंटी ले सकते हैं कि हाँ वो लोग फेक नहीं हैं और वो चार्ज नहीं लेते किसी भी चीज़ का. तो देयर इज नो फीस थ्रू आउट द प्रोसेस. तो आपको इससे बेस्ट क्या हो सकता है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं फ्री में. सो लेट्स एंड दिस वीडियो गाइस. फॉर नेक्स्ट वीडियोस डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर हैं जो, स्टे ट्यून्ड विद अस. एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो. एंड सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम.